नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं धर्म की यात्रा में चित्रकूट के जंगल के जितने भी संत हैं, दिव्य संत हैं, जो इनका वीडियो नहीं बनाया है, जिनका वीडियो बनाया है, बहुत सारे, कम से कम 100 से 150 संतों के आपको इसी एक वीडियो में सभी संतों के दर्शन होंगे। और जी हाँ, आज हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके सभी के सहयोग से चित्रकूट की यात्रा संपूर्ण हुई और आपको मैं पूरे चित्रकूट के संतों के दर्शन करा रहा हूँ। हालांकि और भी कराऊंगा, लेकिन आज मैं जंगल के संतों के एक साथ दर्शन कराता हूँ। हो सकता है जिन कुछ संतों का मैंने वीडियो नहीं बनाया है, आपको कारण भी पता होगा, लेकिन फिर भी आज आप सबको बता दें, चित्रकूट में संतों का सामूहिक भंडारा हो रहा है धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्यों के द्वारा। जी हाँ, जिसमें एक माता जी ने हमें बड़ा सहयोग किया है। और जैसे कि आपको बता देता हूँ, और इसे कोई भी शोभा जी ना समझे, मैं आपको दर्शन करवाने के उद्देश्य थोड़ी सी झलक बना रहा हूँ, और जिसमें किस प्रकार संतों के जंगल में गुप्त संत भी वहाँ आएंगे और किस प्रकार संतों का भोजन प्रसाद होता है, वो सारा का सारा दृश्य आज आप लाइव देख पाएंगे। हाँ, क्योंकि आज सावन का सोमवार है और इसलिए अभिषेक भी होगा, बिल पत्रों से राम राम लिख के पूरी आपको दिखाया जाएगा। आज आप भी हर हर महादेव, जय गुरुदेव जरूर कमेंट में लिख के मुझे बताएं, अपनी हाजिरी दें और संतों के दर्शन कीजिए। एक साथ सभी चित्रकूट के संतों के दर्शन, जंगल के संतों के दर्शन आप धर्म की यात्रा में एक ही बुलेटिन में कर पा रहे हैं। धन्यवाद आप कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना, कमेंट द्वारा हर हर महादेव जय गुरुदेव जरूर लिखना। साथियों, भंडारा तैयारी हो रही है संतों के, वो दिखा रहा हूँ। साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं, जो संतों के भंडारे के लिए भोजन हो रहा है, ये सारा सारा संतों के द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि अन्यथा संत भोजन पाते नहीं हैं। संतों के द्वारा बनाए ही भोजन शुद्धि माना जाता है और ठाकुर जी के भोग लगा के ही पाया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हो सारा का सारा किस प्रकार संत महात्माओं ने परिश्रम भी कर रहे हैं हमारे धर्म की यात्रा में। सभी संत महात्मा इसमें सहयोग किया है, तभी हमारा ये धर्म की यात्रा का जो सामूहिक भंडारा है वो हो पा रहा है। तो बड़ा ही इसमें किसी ने कुछ भी करो, लेकिन जो श्रम से सहयोग होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये दुर्लभ दर्शन आप घर बैठे लाइव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और किस प्रकार के लगे कमेंट करके बताना। और जैसे देख पा रहे हो, सब्जी भी बन रही है एक तरफ पूड़ी भी बन रही है, और संत महात्माओं के द्वारा जैसे आप देख पा रहे हो, कुछ संतों का आपने इसमें दर्शन किए होंगे शायद, कुछ संतों के मैंने दर्शन नहीं करवाए, आप समझ पा रहे हो। और कुछ संतों के शायद तक आपको लगेगा कि बहुत सारे दर्शन करवाते हैं, मैं नहीं करवाता हूँ, वो एक अलग बात है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जंगलों से संत आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, और ये जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं, बहुत सारे संतों का आपने वीडियो भी दर्शन किए होंगे और कुछ संतों के नहीं किए हैं, तो भी आप आज लाइव दर्शन कर पाएंगे। और जैसे देख पा रहे हो, और हम संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे आज, सभी संतों का एक साथ सामूहिक हमें दर्शन हो रहा है। जय गुरुदेव, सभी कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें, सभी से निवेदन रखूँगा जय गुरुदेव लिखें। और आज जैसे सावन का सोमवार है, तो हर हर महादेव जरूर लिखें, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, आज एक साथ सभी संतों का दर्शन हो रहा है और कम समय में सभी संतों के आपको दर्शन हो जाएंगे। साई तक 10 मिनट में पूरे चित्रकूट के जंगल के संतों के दर्शन हो जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ सत्संग भी करेंगे। जैसे इसमें बहुत सारे संत आए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक बार कहने से ही सभी संत कह दिया कि भाई कन्हैया दास ने सभी संतों को याद किया है, तो सभी संत आए। चित्रकूट के जितने भी संत हैं, कन्हैया दास के, उनका बहुत बहुत, संतों का भी कहूँगा, क्योंकि बिना गुरु कृपा मेरे को इतना ये संभव हो ही नहीं पाता कि इस दास के कहने पर संतों का दर्शन हो जाए। लेकिन बड़ी प्रसन्नता रही जीवन में कि संतों के दर्शन, भंडारे और भी किए हैं, हर भंडारा नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नई उत्साह के साथ होता है। और जैसे मेरी सदा सोच भी रही है, और हर भंडारे से आने वाला भंडारा और बेहतर करने की मेरी इच्छा भी रही है, और गुरु कृपा से हुआ भी है। और जैसे संतों का सामूहिक सत्संग भी हो रही है, और सत्संग के साथ साथ कुछ अंगड़ाइयाँ भी हो रही है। और जैसे आप देख पा रहे हो, अभी जैसे सावन का सोमवार है, और जैसे सभी बिल पत्र पर राम राम लिख रहे हैं,
और राम 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 की राम राम का एक संतों के द्वारा बहुत इसमें अहम रहता है। और इस पूरी भंडारे में मेरे को मोहनदास जी का बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि मोहनदास जी संतों की कुटिया है ये, और इन्हीं की कुटिया में इन्हीं के सहयोग से ये सारा हो रहा है, क्योंकि सारी व्यवस्था मोहनदास जी महाराज जी के द्वारा भी की गई है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था पूजा आराधना इन्हीं की कुटिया में हो रही है और सभी व्यवस्था इन्हीं की कुटिया में मेरे को मिली है। धर्म की यात्रा का परिवार इनका धर्म की यात्रा में बड़ा सहयोग रहा है। समय समय पर इन्होंने जब जब मुझे कोई जंगल की आवश्यकता पड़ी या सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, इनका अहम मेरे जीवन में रोल रहा है, अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। अब आरती का आपको दर्शन करवाते हैं साथ साथ, और सभी संत धीरे धीरे अब आरती के दर्शन के लिए जैसे आ रहे हैं। आप सभी भी मानसिक आरती का दर्शन कीजिए, आपको वही फल मिलेगा। और आप मानसिक बिल पत्र का आप लीजिए और अब शिवलिंग पर चढ़ाइए। आप भी, आपको कह रहा हूँ जो आप घर बैठे देखो, मानसिक आप समझिए आपने भी एक बिल पत्र उठाया है, और आज सावन का सोमवार है तो आप भी बिल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए आस्था के साथ। कितने दुर्लभ दर्शन संतों के एक साथ, मेरा जीवन तो धन्य है। और आप सभी को कहता हूँ मेरे गुरु की कृपा से आपको भी घर बैठे सभी संतों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। ये भी जंगल के संत, चित्रकूट के जंगल के संत, हर हर महादेव। सभी कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव, जिन्होंने कमेंट में लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद। अब संतों के जैसे पंगत का समय हो गया, जिसको आप प्रसाद का कह रहे हैं, सबसे पहले हम माँ मंदाकिनी गंगा मैया तक प्रसाद जाएंगे। पहले तो हम व्यवस्था कर देते हैं, उसके बाद माँ मंदाकिनी के प्रसाद के लिए जाएंगे। संतों के द्वारा जाएगा, हमें ये कोई भी छूने के लिए कुछ हाथ लगाने के लिए मना होता है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन संतों के द्वारा ही होगा सारा कुछ कार्य। हम व्यवस्था कर रहे हैं, बस सारी व्यवस्था संतों के द्वारा होगी। भोजन को छूना भी हमें मना है यहाँ पर। जैसे आप देख पा रहे हैं, हालांकि पंगत दो या तीन बार होती है एक साथ, कुछ संत धीरे धीरे आएंगे तो कुछ संत आए नहीं हैं और कुछ संत आ जाएंगे। जो संत दूर है जंगल में वो अभी तक आए नहीं हैं, वो आ जाएंगे। और आप लाइव जयकारे के दर्शन कर पा रहे हैं, और ये हमारे माँ मंदाकिनी गंगा में प्रसाद जा रहा है, जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं। इन संतों के द्वारा ही होता है सारा कुछ, हम किसी चीज़ को छू नहीं सकते, क्योंकि संत जो विधि विधान के साथ जो पवित्रता के साथ जो करते हैं, इनकी एक जंगल के संतों का अलग एक परंपरा रही है, अलग अलग महत्व रहा है। मैंने देखा है कि कहते हैं कि आप 100 मठों के अगर भोजन करवाते हैं, लेकिन एक जंगल के संत का भोजन करवाते हैं, प्रसाद करवाते हैं, तो बड़ा सहयोग रहता है। और आप भाइयों में से भी कोई ऐसा भंडारा सहयोग करना चाहता है, कभी भंडारा करवाना चाहता है, तो ज़रूर करवाइए और ज़रूर सहयोग कीजिए धर्म की यात्रा में, जिससे ऐसे भंडारे लगातार चलते रहे, हर महीने चलते रहे। हम यही चाहेंगे, आपकी सबसे दुआ करेंगे। बड़ा मुझे जीवन का प्रसन्न रहा है ऐसा दर्शन करके। आप भी दर्शन करें माँ मंदाकिनी गंगा मैया में, संतों के द्वारा भोजन लग रहे, माँ मंदाकिनी की कृपा हम सब पर, धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्यों पर ऐसे ही बनी रहे, यही हम दुआ करते हैं माँ मंदाकिनी गंगा मैया से। आप सभी सुखी संपन्न रहे, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं मंत्रों का उच्चारण आपको थोड़ा महाराज जी के द्वारा, संतों के द्वारा थोड़ा सा करवा देते हैं दर्शन, और भोजन प्रसाद की भी तैयारी चल रही है। भय संत पधारे आज, बोले संतो मधुर वाणी प्रेम से श्री हरे, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, नमः सिंधुरु नमः सर्वेश्वर श्री राम जी महाराज की, सर्वेश्वरी सीता जी महाराज जी की, चारो भैयन की, चारो महारानी की, श्री राम कृष्ण देव की।
कन्हैया जी भक्त की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, उनके बाल गोपाल की, उनके समस्त परिवार की, श्री सीताराम जी के महाप्रसाद की, राम कैसे गुप्त सिया के दुर्जय महिमा महाप्रसाद की पाइये प्रेम लगा बोलिए संतो मुसलमानी प्रेम श्री हरे। महाराज जी को धन्यवाद। 5 मिनट यहाँ बैठ लीजिए, जाजिम पर बैठ लीजिए। कुछ संत और आए हैं तो जिनको व्यवस्था के अनुसार साइड में बिठा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था के अनुकूल है सभी संतों, कुछ संतों को साइड में बिठा रहे हैं और फलाहारी महाराज को ऊपर बिठाया है। और सभी को आप सहयोग से, आप सभी की दुआ से दक्षिणा की व्यवस्था की गई है। मोहनदास जी का इसमें पूरे भंडारे में बड़ा सहयोग रहा है। सभी एक बार मोहनदास जी महाराज जी का जयकारा जरूर बोलें और इनका आशीर्वाद सभी प्राप्त कीजिए, क्योंकि त्यागी महात्मा ये हैं। और हालांकि इनकी कृपा से ये भंडारा हुआ है, इनसे मैंने आशीर्वाद भी मांगा था कि मैं ऐसे भंडारा हर महीने करता रहूं, धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्यों द्वारा ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। और इनका बड़ा प्रेम रहा है इस धर्म की यात्रा के परिवार, हालांकि सभी संतों का मुझ पर प्रेम रहा है और सभी संतों ने मुझे शिष्य के रूप में, दास के रूप में स्वीकार भी किया है। मैं प्रसन्न हूँ इस जीवन को पाकर, संतों के दर्शन पाकर। मैं इसे कोई शोभा जी ना समझना, जैसे आपको दर्शन करा रहा हूँ। फलाहारी महात्माओं का ऊपर अलग से व्यवस्था की गई है, क्योंकि वो अन्न प्रसाद ग्रहण नहीं करते, फिर भी कन्हैया दास के निवेदन से सभी संतों का आए हैं तो मुझे बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, हृदय गदगद हुआ है मेरा। और मैं आपको ये दर्शन करा रहा हूँ, इसमें सभी संत आए, मोहनदास जी हुए, त्रिवेणी दास जी हुए, जो त्यागी जी हुए, फलाहारी जी हुए, बहुत सारे संत आए हैं। त्रिलोकीदास जी भी आए, इनका भी दर्शन आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बड़ा सौभाग्य हुआ कि ऐसे दुर्लभ संतों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। आप सबका धन्यवाद करता हूँ और संतों का ऐसे आशीर्वाद बना रहे। और बस मैं तो निमित्त मात्र हूँ, और आप सभी में से कोई भी धर्म की यात्रा में इस ऐसे भंडारों में सहयोग करना चाहें तो स्वयं इच्छा से कीजिए और हमारी धर्म की यात्रा का हौसला बढ़ाइए। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट हम बाटी का एक महा भंडारा करने की इच्छा रखते हैं जल्दी। और रामदास जी महाराज जी से भी हम सत्संग की चर्चा करते हुए और सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त लेते हुए और आज का इस भंडारा संपन्न हुआ। और ऐसे हम अब कार्य में लगे रहेंगे, आपको ये दर्शन करवाए किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद।